हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। और आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसमें देखेंगे कि हाउ विल योर फ्यूचर पार्टनर बी, आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो कैसे होंगे, क्या होगा उनका स्वभाव, ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, व्हाट विल दे बी लाइक, व्हाट उनकी क्या पसंद नापसंद, ऑल ऑफ दैट विल बी सीन। पूरा डेप्थ में हम जाएंगे, देखेंगे उनके बारे में, हम समझेंगे कि कैसे होंगे एंड ये सब देखेंगे हम। तो इट्स गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो आपको जो भी पाइल रेसोनेट करती है आप वो पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग फॉर पाइल 1 कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, क्या होगा उनके बारे में, their qualities, their likes, their dislikes, everything, हम सब कुछ देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में आज। एंड लेट्स बिगिन अवर रीडिंग। सो दिस इज फॉर पाइल 1। जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है। सो आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे वो बहुत एक्स्ट्रा लाइफ में ना बहुत केयरफुल कैलकुलेटिव डिसीजन लेंगे। वो कोई भी चीज़ों पे एकदम से जंप नहीं करेंगे, वो एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले लेंगे, वो कंक्लूजन्स पे नहीं आ जाएंगे, वो सोचेंगे समझेंगे फिर उनको लगेगा कि हाँ बाद में कुछ दम है, हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। बहुत सोच समझ के कदम कदम बढ़ाएंगे, वो ऐसे ही नहीं आगे बढ़ेंगे। उनकी जो कैलकुलेशंस होंगी, उनका जो माइंड है बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, वो हर चीज़ सोच सोच के करेंगे, वो हर चीज़ अपने फायदे का देख के करेंगे, वो किसी भी चीज़ों में किसी भी उसमें जंप नहीं करेंगे, किसी भी लाइक उनको अगर ना समझ आए तो वो नहीं भी करेंगे। वो बहुत ज़्यादा कंटेंट होंगे अपने लाइफ में, उन्हें जो चीज़ें लगता होगा कि हाँ ये बस ठीक हमारे लिए, हमें इससे ज़्यादा और हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंटेंट मानेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ें नहीं करेंगे। उनको वो अपने को ना मनमौजी काइंड ऑफ पर्सन की जो मुझे ठीक लगता है बस लगे, जो मुझे ठीक नहीं लगे वो मैं नहीं करूँ, जो ठीक लगे वही मैं करूँ, तो अपनी मर्जी के मालिक जैसे जो होते हैं ना कुछ लोग, दे विल बी दैट काइंड ऑफ पीपल, दे विल ओनली डू व्हाट दे लाइक, दे विल ओनली डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग, दे विल नॉट कम इन टू एनी काइंड ऑफ प्रेशर, दे विल नॉट कम इन एनी काइंड ऑफ लाइक यू नो किसी के बोलने पे किसी के करने पे कोई चीज़ें नहीं करेंगे वो, उनको ठीक लगा वही होगा, जो ठीक नहीं लगा वो नहीं होगा। तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट फॉर देम। वो उनके पास जितनी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके पास, दे विल बी लाइक कोई बात नहीं, जाने दो, दे विल नॉट टेक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दे विल बी वेरी कंटेंट, दे विल नॉट वॉन्ट टू जम्प ऑन टू एवरीथिंग दैट दे सी और एवरीथिंग दैट पीपल टेल देम, दे विल ओनली डू, दे विल ओनली गो अहेड विद थिंग्स, दे फील कि यार दिस माइट बी गुड फॉर मी और दिस माइट नॉट बी गुड फॉर मी, दे विल नॉट इवन बॉदर टू इवन गेट इन्वॉल्व या उसके बारे में सोचना या करना, दे विल बी वेरी 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 लाइक यू नो समटाइम्स पीपल कम अक्रॉस एज लाइक यू नो वेरी एरोगेंट एंड बोरिंग। आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा बोरिंग पर्सन है यार, अपनी मर्जी से ही सब करते हैं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हम कुछ बोलते हैं करते हैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सो योर पार्टनर, इनके जो पार्टनर होंगे हमेशा ही इनसे परेशान होंगे कि हमारे को कभी सुनते ही नहीं है, लेकिन दे डोंट लिसन टू अस, इनको जो करना है वही करना है, दे डोंट वॉन्ट टू डू और वरी अबाउट आवर कंसर्न्स ऑल्सो। सो दिस पर्सन विल हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ बट दे विल नॉट इवन टेक इट, नॉट इवन बॉदर टू टेक इट बिकॉज दे फील दैट यू नो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम, दे आर हैप्पी विथ वॉट दे हैव। सो दिस विल बी लाइक अ वेरी लाइक यू नो दिस विल बी लाइक देयर ड्रॉबैक इन देयर लाइफ कि यू नो उनको जो नहीं करना है वो करना पड़ेगा। वो अपनी जो स्पेशलाइजेशन स्किल्स हैं, अगर समझिए कोई लॉयर है
तो लॉयर के लिए सर्टेन एस्पेक्ट से उसी का काम करेंगे, बाकी कोई चीजें देखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं. और लाइक से इफ दे आर इनटू सम अदर फील्ड, लाइक से इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जो उनके जेनर है उसी में वो लोग घुसेंगे, कुछ और देखेंगे नहीं. अपने रिलेशनशिप्स में भी ये करेंगे कि जो उनको ठीक लगता है, जैसा फील होता है, वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से ही चलेंगे. अपने पार्टनर की फीलिंग्स, अपने घर वालों की फीलिंग, वो सब कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, वो अपना ही सोचेंगे. सो दिस इज लाइक यू नो काइंड ऑफ लिटिल सेल्फिश नेचर, बट यस दे विल हैव दिस क्वालिटीज. आपको उनके साथ ये सब एडजस्ट करके जीना ही पड़ेगा. दिस इज हाउ दे विल बी. लेट्स सी द लव कार्ड कैसे आते हैं. Be aware of what you are projecting. For the qualities you admire one person, one another, the qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your reflection. So you know, ये जो कार्ड भी ये बोल रहे हैं कि इनकी जो क्वालिटी, सर्टेन क्वालिटीज होंगी जो आपको शायद ना पसंद आए, शायद वो आपके अच्छे के लिए भी हो, कि शायद वो वही क्वालिटीज हो जो आपके अंदर भी हो, लेकिन आप शायद जो देख ना पा रहे हो, आप समझ ना पा रहे हो. तो यू विल जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर की इनकी जो क्वालिटीज है, ये शायद आप लोगों की भलाई के लिए ही है, ये आप लोगों की भलाई का कंसिडर करके सोच के चल रहे हैं, ना कि सेल्फिश होके चलने की कोशिश कर रहे हैं. सो यस, दिस वॉज पाइल वन. जिन लोगों ने भी पाइल वन सेलेक्ट किया था ये रीडिंग, उनके लिए है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल टू. कि जिन लोगों ने पाइल टू सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है हमारी. जो हमारे पाइल टू वालों के लिए रीडिंग आई है वो ये है कि आपके जो पार्टनर होंगे बहुत एग्रेसिव काइंड ऑफ नेचर के होंगे, वेरी स्टबर्न, वेरी स्टक हेडेड, हर एक से लाइक काइंड ऑफ यू नो पंगा ले लो, अपनी चीजें ही बुलवाना, अपनी चीजें ही करवाना, ना हो तो टेक अप लाइक एन आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइट फॉर इट. तो वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें मनमानी करवाएंगे लोगों से, अपनी आपसे भी और लोगों से भी. सो विच लाइक यू नो विच विल मेक योर फाइट, बहुत छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, डिस्प्यूट भी हो सकते हैं. उनका ईगो थोड़ा ज़्यादा होगा कंपेयर टू लाइक यू नो जो वो हैं. अगर लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ऊंचे मकाम पे समझेंगे, अपने आप को, अपना ईगो, एटीट्यूड, ये सब गुस्सा, ये सब बहुत ज़्यादा होगा उसके उनके अंदर. दिस विल ब्रिंग आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा, हमेशा डिसकम्युनिकेशन रहेगा, फाइट्स होंगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, तो ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. वो उन चीज़ों को बस एक ही नज़र से देखेंगे, दे विल नॉट सी कि हर किसी का पर्सपेक्टिव, हर किसी की नज़र से चीज़ों को करने की कोशिश नहीं करेंगे. उनको जो ठीक लगेगा, उनके हिसाब से जो ठीक होगा और वही करना है. और अगर वो ना हो तो ये नहीं कि यू नो दे विल बी ओके विद इट, दे विल नॉट बी ओके विद इट, दे विल मेक श्योर कि उनकी चीज़ उनके हिसाब से हो. और अगर नहीं हो सो दे विल मेक लाइक यू नो लाइक हेल्प ऑफ एवरीवन अराउंड देम. सो ये उनका ड्रॉबैक भी होगा, बट उनके अंदर जो एक अच्छी क्वालिटी होगी कि दे विल बी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होंगे, बहुत स्ट्रगल उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा होगा लाइफ में. सो बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रगल मे बी दैट्स वाई एंड दैट्स हाउ दे आर टूडे, बट दे विल हैव नो रिग्रेट फॉर वट एवर इज लाइक यू नो इन देयर लाइफ और वट एवर दे आर डूइंग. दे विल फील कि हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करेंगे एंड हम अचीव कर लेंगे अपनी चीज़ों को. हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक दैट इज वेयर द ईगो एंड एटीट्यूड कम्स फ्रॉम, दैट यू नो आई हैव अचीव एवरीथिंग ऑन माई ओन विद माई ओन स्ट्रगल, सो आई डोंट नीड एनी वंस ओपिनियन इन माई लाइफ, आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प, आई डोंट नीड टू लाइक यू नो गो एंड लिसन टू एनी वन. सो येस दिस विल कम एज अ ड्रॉबैक ऑल्सो एंड दिस विल कम एज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो. They will have the capability of turning their life, if in a good way.
अपनी चीजों को पॉजिटिवली चेंज करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी, वो अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लाइक इन अ गुड वे दे विल बी वेरी सक्सेसफुल, दे विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन इन देयर लाइफ, लाइक फाइनेंशियली, करियर वाइज, लाइक यू नो सोसाइटी में एक जो एक होता है नाम होता है आपका, वो भी उनमें बहुत ज्यादा होगा, लोग उनको बहुत अच्छी नजर से देखेंगे कि यस दिस पर्सन हैज अचीव समथिंग एंड दे आर समथिंग रियली बिग इन लाइफ. सो यस दिस इज आर दिस विल बी ऑल देयर गुड क्वालिटीज दैट दे विल पोजेस. लेट्स सी वन मोर थिंग, बट डीप विद इन दे विल बी लोनली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट दे अचीव एंड बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर. डीप विद इन उनके अंदर एक हमेशा एक अकेलापन रहेगा, उनको हमेशा लगेगा कि लाइक यू नो आई डोंट हैव एनीवन विद मी, आई एम अलोन, आई हैव नो वन टू टॉक टू, आई हैव नो वन टू बी विद. सो ये सब चीजें उनको हमेशा बॉदर करेगी लाइफ में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड विथ लाइक अ गो गेटर काइंड ऑफ एन थिंग कि ये तो मुझे अचीव करना ही है. ओके, वट इज द लव कार्ड फॉर देम, लाइक यू नो द heart cards, what are they saying about their personality and how they will be. You know, the message that that we have for them is, the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. You know, because aapka ek past ek raha hai and because of that you are what you are today, but you'll have to release and let it go. Tabhi aapke life mein kuch achha hoga. Itna gussa, itna sab kuch theek nahi hota in a relationship. इट कैन हैम्पर द रिलेशन. तो आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे आपके जो नए रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में एंटर आए हैं वो क्या खुशियां ला सकते हैं, वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं. सो यस यू विल हैव टू लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स विच लाइक यू नो विच ट्रबल यू एंड विच काइंड ऑफ नॉट मेक यू हैप्पी, दे डोंट मेक यू हैप्पी, इसलिए आपकी रिलेशनशिप्स परफेक्ट ना हो, इसलिए लाइक यू नो एक्सेप्ट योर पास्ट एंड लेट इट गो, थोड़ा रिलीज दीजिए. ओके, सो दिस वाज पाइल टू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल थ्री. पाइल थ्री वालों के लिए हमारी रीडिंग क्या आ रही है हम देख लेते हैं. जिन लोगों ने पाइल थ्री सिलेक्ट किया है, दिस इज फॉर देम. पार्टी वाले जो आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, दे विल बी इन वेरी सैड. उनका एक स्वभाव जो होगा लोनली रहने का, अकेले बैठे रहने का, अपने आप में रहने का, बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं, काइंड ऑफ लाइक एन इंट्रोवर्ट. बिकॉज ऑफ ऑल दी स्ट्रगल्स एंड ऑल ऑफ दैट, इट हैज टेकन अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ, इट हैज टेकन अ टोल ऑन देयर लाइफ. बहुत लड़े उन्होंने, बहुत कोशिश की है लाइफ में कुछ करने की, पाने की, अब वो थक गए हैं, हार गए हैं, एंड यू नो दे वांट टू काइंड ऑफ फाइंड दैट पीस इन देयर लाइफ. दे विल लव यू, ओके, दे विल ऑलवेज लव यू, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, बट एज ए जनरल पर्सनैलिटी दे आर टायर्ड इन लाइफ, दे हैव फेस्ड इनफ, दे हैव स्ट्रगल्ड इनफ, दे हैव सीन इनफ, एंड यू नो नाउ दे वांट दैट पीस, दे वांट दैट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, जो उनको मिलने के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की है. तो दे आर एट अ पेस वेयर यू नो दे हैव अचीव समथिंग नाउ, बट डीप विद इन यू नो दे आर लोनली, दे आर सीकिंग फॉर लव, एंड सीकिंग फॉर लव फ्रॉम यू, ओनली यू कैन गिव देम दैट दैट अफेक्शन, दैट लव दैट दे रियली वॉन्ट. दे ऑल्सो आर लाइक यू नो वेरी सीरियस काइंड ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और मजाक मस्ती एंड ऑल ऑफ दैट उनको ज़्यादा पसंद नहीं है. वो सिंपल लाइफ जीने वाले पर्सन हैं, सिंपल लिविंग, सिंपल चॉइसेस, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं, बहुत बहुत कुछ लाइक नो नॉट टू लैविश लाइफ, बट लाइक नो सिंपल लिविंग विद एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर, दे विल हैव ऑल ऑफ दैट, बट दे विल कॉन्स्टेंटली नीड दैट स्टिमुलेशन, दैट कन्फर्मेशन
दैट हाँ आप उनके साथ है, आप उनके हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ऑल ऑफ दैट, यू नो दे कॉन्स्टेंटली नीड दैट कन्फर्मेशन फ्रॉम यू. अफर्मेशन चाहिए होगा उनको, आपकी एक वैलिडेशन चाहिए होगी कि आप उनके ही हैं, आप उनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे. सो ये सब चीजें उनके साथ हमेशा रहेगी, ओनली देन दे विल बी हैप्पी अ लिटिल बिट एंड दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द रिलेशनशिप द वे यू वांट. अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू लव एंड अफेक्शन वो सब रहेगा, बट उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कहीं ना कहीं दब के छुप के ही आएगी, वो बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होंगे अपनी लाइफ में. They will seek for love always. They will seek for that confirmation. They will seek for you know, उनका जो करियर परस्पेक्टिव होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत फोकस्ड होंगे अपने करियर में. They might have achieved good things. They have good dreams for the future. They know what to do with their life. वो सब होगा उनका. बट एक जो एक पर्सनैलिटी जो एक होती है वो एक लाइक ना एक सैड और एक वैसी पर्सनैलिटी होगी उनकी, जो थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगी, बट यू नो विद लिटिल बिट ऑफ फन एंड लाफ्टर इन योर लाइफ यू नो थिंग्स विल बी लिटिल बेटर. सो लेट्स सी व्हाट योर लव कार्ड सेज अबाउट योर पार्टनर एंड सरेंडर. एट टाइम्स यू मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग यू कैन एंटर योर लाइफ. लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट. सो वही उनके लिए यही मैसेज है कि प्लीज सरेंडर टू द यूनिवर्स, टू योर पार्टनर, जो भी है आप सरेंडर कर दीजिए, तभी आपके लाइफ में कुछ नया आएगा और आप एक खुशियां महसूस कर पाएंगे. बिकॉज यू नो आप उसी पास्ट में जी रहे हैं, आपके जो भी स्ट्रगल्स में जी रहे हैं, आप एक खुशियां अपनी लाइफ में आने ही नहीं दे रहे और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल ऑल्सो. सो दिस इज फॉर पाइल थ्री. जिन जिन लोगों ने पाइल थ्री सिलेक्ट की थी ये उनके लिए है. सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग टूडे एंड वॉचिंग द वीडियो. होप यू कुड रेसोनेट विद एनी ऑफ द पाइल्स दैट यू हैव सिलेक्टेड. अगर आप रेसोनेट कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी. इफ यू वॉन्ट मी टू कम विद सम स्पेशल टॉपिक इन माई नेक्स्ट फ्यू वीडियोज यू कैन लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. तो मैं जरूर उन टॉपिक्स पे वीडियोज बनाऊंगी अपने. अगर आप चाहते हैं अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाना मुझसे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड यू कैन बुक अप एन अपॉइंटमेंट फॉर द रीडिंग व्हेनेवर इट इज कन्वीनियंट फॉर बोथ ऑफ अस. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड डू कनेक्ट अगेन फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट दैट आई विल बी क्रिएटिंग. बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.